व्यूज इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करना चाहता हूं कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो कि एक ड्रोन हमले में शदीद जख्मी होने के बाद आज तक लापता है। सऊदी शहजादा कैसे लापता हुआ, जख्मी कैसे होता है, इन तमाम तर हकायक से पर्दा उठाने के लिए आज की मेरी इस न्यूज को आप पूरा देखना पड़ेगा। व्यूज मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए आपको मेरे चैनल हसनात टीवी सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि मैं इस पर रोजाना की बेस पर कमाल की न्यूज आपकी खिदमत में लाता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। ईरानी और रूसी मीडिया ने दावा किया है कि एक हमले के नतीजे में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अचानक जख्मी हालत में लापता हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि सऊदी वली अहद के जख्मी होने से मुतालिक खबर सऊदी खुफिया रिपोर्ट से मिली और ये खुफिया रिपोर्ट एक अरब मुल्क को भी भेजी गई थी। उनका मजीद कहना था कि 21 अप्रैल को शाही महल पर हमले के बाद से सऊदी वली अहद लापता हैं और उस हमले के नतीजे में वो जख्मी भी हुए थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले के बाद सऊदी वली अहद की सरकारी सतह पर कोई तस्वीर जारी नहीं हुई। उधर रूसी मीडिया ने भी ईरानी मीडिया का हवाला देते हुए कहा कि सऊदी वली अहद 21 अप्रैल के हमले के बाद मंजरे आम से गायब है। दूसरी जानब सऊदी सरकारी हुकाम ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुतालिक इतलात की तस्दीक नहीं की। वाजह रहे कि 21 अप्रैल की रात को अचानक सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलना शुरू हो गई थी कि सऊदी अरेबिया में शाही महल पर हमला हुआ है और गोलियों की आवाजें भी आ रही हैं। इस अफवाह के साथ साथ कुछ वीडियोस और तस्वीर भी जारी हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही सऊदी हुकूमत ने बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए बताया कि शाही महल पर कोई हमला नहीं हुआ बल्कि एक मशकूक ड्रोन शाही महल के ऊपर परवाज कर रहा था जिसे सऊदी सिक्योरिटी ने मार गिराया था।